तो फाइनली दोस्तों 9 जून को गदर एक प्रेम कथा को दोबारा री रिलीज कर दिया गया था और आज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार तरीके से 4 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और 22 साल पुरानी फिल्म होने के बावजूद क्या अमेजिंग ग्रोथ के साथ कमाई कर रही है, मान गए। जी हां दोस्तों, जिस तरह से 2001 में इस मूवी ने भर भर कर कमाई करी थी, सेम ट्रेंड अभी भी देखने को मिल रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू और रिएक्शन मिल रहे हैं, क्या लोग वाकई में इस फिल्म को दोबारा देखना पसंद कर रहे हैं, सब जानेंगे इस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आप भी इस धमाकेदार फिल्म के जबरदस्त फैन है तब, और सनी देओल के डाई हार्ड फैन है तब, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, गदर की क्वालिटी को एनहेंस करके इसके 4K क्वालिटी में रिलीज करा गया है, जो कि एक पॉजिटिव फेस साबित हो रहा है मूवी के लिए। लोग दोबारा से इस जबरदस्त मासी फुल ऑफ एक्शन सिनेमा को देखना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस फिल्म को ना देखा हो। बच्चा बच्चा सनी देओल का कम तारा सिंह का ज्यादा फैन था, और वो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन, भाई इससे तो कोई कभी भी भुला नहीं सकता। एक ऐसी रिवोल्यूशनरी फिल्म थी बॉलीवुड सिनेमा की, जिसमें मासी एक्शन की कोई कमी नहीं थी। एक्शन के मामले में दूर दूर तक, उस जमाने में तो क्या, आज भी इस फिल्म के कोई टक्कर नहीं ले सकता। इस फिल्म के कैरेक्टर, स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, BGM, VFX, सॉन्ग्स और ऐसे ऐसे दमदार डायलॉग, कुल मिलाकर पूरी फिल्म का कंटेंट ही सुपर अमेजिंग। हर दिन जबरदस्त तरीके से हाउसफुल शोज देकर इस फिल्म ने ऐसा इतिहास लिखा था जिसको आज भी हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों इस फिल्म ने उस जमाने में अपने कंटेंट के दम पर 10 करोड़ से ऊपर टिकट बेचे थे। अगर आज के टाइम से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2000 करोड़ से ऊपर जाने से इस आंकड़े को कोई रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, मूवी का बजट लगभग 18 से 19 करोड़ के आसपास था, और इस टाइम पर इस फिल्म ने लगभग 133 करोड़ के आसपास बिजनेस करा था, जो कि एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। दोस्तों बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अमेजिंग ग्रोथ करते रोज नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, जहां इस फिल्म ने 500 सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाते हुए पहले ही दिन बम्पर ओपनिंग ली थी, लगभग 65 लाख रुपए कमाए थे अपने फर्स्ट डे कलेक्शन में, और जो कि एक 22 साल पुरानी फिल्म होने के बावजूद एक ह्यूज नंबर होता है ऐसे कंटेंट के लिए, जिसे बच्चे बच्चे ने देखा हो उसके बावजूद भी। वहीं अपने दूसरे दिन रिदम में कमाई करते हुए 15% की ग्रोथ के साथ लगभग 75 लाख की कमाई अपने खाते में रखी थी, और मात्र 2 दिन में ही लगभग 1,40,00,000 का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। दोस्तों आज भी थिएटर में गदर के बेहतरीन सीन, तालियां और सीटियां खूब बटोर रहे हैं, और जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है पुरानी यादें ताजा करके आ रहा है। वहीं कल यानी अपने तीसरे दिन, यानी अपने पहले संडे में भी जबरदस्त ग्रोथ करते नजर आई थी मूवी। जी हां दोस्तों, संडे फुल एडवांटेज लेते हुए मूवी ने लगभग 81 लाख का बिग कलेक्शन अपने खाते में रखा था, और इसी के साथ पहले 3 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2,21,00,000 से ऊपर पहुंचा दिया था। बात करें आज यानी डे 4 में कैसी ग्रोथ है, तो यस वैसे तो शोज कम कर दिए हैं, लेकिन जहां भी मूवी लगी है लोग जा रहे हैं देखने के लिए। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 30 लाख के स्ट्रांग होल्ड करते नजर आ रही है मूवी, और इसी के साथ एंड ऑफ द डे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार करते नजर आएगी मूवी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो ये कि गदर 2 का आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दूसरा ये कि गदर मूवी अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।